आपके लिए लाई हूँ एक कॉमन सा आलू की चटनी। ये आम सभी लोग पसंद करते हैं। और इसके लिए हमें जो जरूरी सामान है वो है तिल, बॉइल्ड आलू, हरी मिर्च और अदरक बारीक कटा हुआ। और उसके लिए चाहिए लाल मिर्च और नमक और नींबू। सबसे पहले दोस्तों इसके लिए हमें तिल भूनना है। गैस ऑन करेंगे और इसको धीरे धीरे करछी से चलाना है। हमारा तिल हो गया है तैयार। अब इसको इसमें प्लेट में डालना है और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च को। इसको भी दोस्तों सूखा भूनना है, इसको भी तेल नहीं डालना है। गैस करते हैं ऑन और मिर्च को करते हैं रोस्ट। इसको ज़्यादा देर तक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा होने दीजिए। थोड़ा सा ड्राई सा हो जाए। तो फ्रेंड ये हम लोगों ने इसको भून लिया है, अब इसको ठंडा होने देते। अब सेकेंड स्टेप है हमारा, ये जो बॉइल्ड आलू है इसको ठंडा होने देते हैं। और बॉइल्ड आलू को इसको फ्राई करना है हमने, इसको हम काटेंगे। उसके लिए हम गैस करते हैं ऑन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को हम गर्म होने के लिए रखते हैं और इधर हम कट करेंगे आलू को। तेल हमने गर्म करने के लिए रख लिया है और इधर हम काट रहे हैं आलू। आलू की कटिंग देख लीजिए आप, ऐसे ज़्यादा ना बारीक हो ना मोटा हो, ठीक ठीक। इसको जब फ्राई करेंगे तो टूटे ना, इतना इसका पीस रखना है आपने। तेल हो गया गरम और इसको थोड़ा सा सिम कर लेंगे। इसमें डालेंगे सबसे पहले अदरक, अदरक मिर्च, अच्छा अदरक और मिर्च को एक साथ डाल दीजिए। आराम से डालना है इसको। तेल थोड़ा हमारा ज़्यादा गर्म हो चुका है, इसको हल्के हाथों से आराम से चलाइए। हल्का सा ब्राउन हो रहा है, थोड़ा सा और होने दीजिए। अब इसमें डालिए जो हमने आलू बॉइल्ड आलू को कट करके रखा था, अब इसमें वो डालिए, आलू को डालिए। बस इसको करते गैस को करते ऑफ, गैस ऑफ करके इसको हम ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ पीस लिया है, देखिए इतना बारीक पीसना है इसको, जो कि अच्छे से मिक्स हो जाए। मिर्च और वो मिर्च और तिल को दोनों को मिक्स करके हमने पीस लिया था। अब इसमें डालते हैं, ये हमारा आलू भी ठंडा हो चुका है,
निकालिए। और इसको अच्छे से मिक्स करिए। जितनी आपको ज़रूरत हो डालिए, अच्छे से इसको मिक्स करिए। और इसमें थोड़ा सा नमक, अगर आप नमक ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डालिए। अब इसमें आप जिस जैसे, अगर मिर्च भी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप मिर्च इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको अगर प्याज पसंद है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। इसको अच्छे से मिक्स करिए। और आपकी चटनी हो गई तैयार। आप इसको आप रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, या तो दाल चावल के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी, झटपट चटनी तैयार है। और ये आप अपने डिनर में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो कोई पार्टी में। और इस तरीके से हमारी चटनी हो गई है तैयार। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।